हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स अप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एज आई हैव इन्फॉर्म्ड अर्लियर कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट लेकर के आ रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग पेपर सीपीओ का पेपर है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और कंप्लीट जीएस का सेक्शन है, इसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया है और ये कलेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके पेपर के लिए। तो हम लोग डिस्कशन अभी स्टार्ट करेंगे एंड टोटल क्वेश्चंस वुड बी 50 इन टुडे सेशन। और फिर अगले सेशन में हम अभी क्वेश्चंस जो हम लेकर के आएंगे वो आपके कुछ 250 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यू मल्थुशियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। नौ मल्थुशियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपके सामने एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, दूसरा ऑप्शन है पॉवर्टी गरीबी, तीसरा ऑप्शन है रिसोर्स स्कार्सिटी संसाधन के की कमी, और डी ऑप्शन है इनकम। देखिए, इसमें जो नौ नियो मल्थुशियन थ्योरी है ये है एसोसिएटेड विद द रिसोर्स स्कार्सिटी। रिसोर्स स्कार्सिटी में संसाधन की कमी। देखिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मल्थुशियन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हर धरती की मतलब अर्थ की अपनी एक क्षमता होती है जनसंख्या को, जो भी रिसोर्सेस हैं उस रिसोर्सेस की एक क्षमता होती है कि वो कितने लोगों तक वो पहुंच सकता है। और इसलिए इट हैज अ लिमिट, मींस अर्थ रिसोर्सेस हैज अ लिमिट। पृथ्वी पर जो संसाधन मौजूद है उसकी एक लिमिट होती है। ओके, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा, वो राइट होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है जो मैच करना है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द इकोनॉमिक्स और इसमें देर आर थ्री सेक्टर्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी और थर्ड टर्सरी। और आपके सामने है ए कंसल्टेंसी सलाहकारी संस्था, बी एपिकल्चर जिसे मधुमक्खी पालन बोलते हैं, सी शू फैक्ट्री जूते का कारखाना। अब इसमें मैच करना है कि कौन से सेक्टर में कौन सा चीज आता है। जैसा आप लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स के वेरी स्टार्टिंग चैप्टर्स में हम कराते हैं कि प्राइमरी सेक्टर विच इज एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, माइनिंग, फिशरीज, एपिकल्चर, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण के क्षेत्र को हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। एंड द टर्सियरी सेक्टर इज सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर आपको पता है बैंकिंग इज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस, कम्युनिकेशन इज अ सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऐसी तमाम चीज़ें सर्विस, कंसल्टेंसी, प्रोफेशनल सर्विसेज। तो इसलिए जो कंसल्टेंसी है वो कौन सा सेक्टर है? टर्सरी सेक्टर है। इसलिए आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें आंसर राइट क्या होगा? वन प्राइमरी है तो प्राइमरी सेक्टर इज एपिकल्चर, मींस वन बी। टू मैच कर रहा है किससे? सेकेंडरी सेक्टर इज अ सू फैक्ट्री मतलब उत्पादन के क्षेत्र से मैच करेगा, और तीसरा ए से मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दूसरा का ऑप्शन ए राइट होगा। ओके, वन बी, टू सी, थ्री ए। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? सबसे पहली बात आपको जानना है कि मौलिक कर्तव्य हमारे नागरिकों की एक नैतिक कर्तव्य होता है अपने राष्ट्र के प्रति, जो राष्ट्रीयता और एक एकता और सौहार्द को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और ऐसे में हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हैं कितने? डी ऑप्शन राइट होगा, 11। यहाँ पर ऑप्शन है 5, 7, 9, 11 और आपके आंसर्स होंगे डी। तो आगे चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है द यूनियन संघ, ऑप्शन बी है द स्टेट्स राज्य, ऑप्शन सी है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो यहाँ पर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, हु गेव द स्लोगन बैक टू द बेद्स, बेदों की ओर लौटो। बेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। और आपका आंसर होगा इसमें दयानंद सरस्वती। उन्होंने कहा था या उनका ये स्लोगन है दयानंद सरस्वती जी का, वेदों की ओर लौटो। इसलिए राइट आंसर होगा 5 का B। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से है। टोडरमल वॉज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्परर। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज सी, अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? और आपके सामने है द इक्वेटर भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा पर एंड ऑप्शन डी एट पोल्स ध्रुव पर। और आपने इसे पढ़ा भी होगा, इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन डी एट पोल्स ध्रुवों पर। हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमनली एक क्वेश्चन बहुत बार आता है ह्यूमिडिटी। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? आपके सामने है हाइड्रोमीटर, द्रव घनत्व मापी, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी, ऑप्शन सी है साइकोमीटर मनोमान मापी, ऑप्शन डी है एनीमोमीटर पवन वेग मापी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज हाइग्रोमीटर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनोफिलीस मच्छर के कारण होती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी मलेरिया एंड ऑप्शन सी ब्लैक फीवर एंड ऑप्शन डी कोलेरा। और आपको पता है मादा एनोफिलीस मच्छर से जो बीमारी होती है वो है मलेरिया। ओके तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर थोड़ा सा हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जस्ट उस क्वेश्चंस का रिवीजन ज़रूरत होता है, रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसे आप ऐसे रिवाइज करते रहेंगे और एक बार दो बार जितनी बार देखने से आपको क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, याद हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो क्या है? मलेरिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव्स अ सैफ्रॉन। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? ऑप्शन ए है रूट्स जड़े, पेटल्स पंखुड़ियाँ, ऑप्शन सी स्टेम तना एंड डी स्टिग्मा रंध्र। एंड द करेक्ट आंसर इज स्टिग्मा रंध्र, जिससे हमें केसर प्राप्त होता है, सैफ्रॉन प्राप्त होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, ऑप्शन डी कॉर्टेक्स। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ए जाइलम। ओके तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? ऑप्शन ए है मोमेंटम आवेग, ऑप्शन बी है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ऑप्शन सी है टॉर्क एंड ऑप्शन डी है स्पीड। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी राइट होगा आपका, ठीक है, गति स्पीड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13,
एंड क्वेश्चन नंबर 13, एट व्हाट टेम्परेचर इन फारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेस, शुद्ध जल किस तापमान या फारेनहाइट में, आपको तापमान का फारेनहाइट में आंसर देना है, पर जम जाता है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है इसमें 32 डिग्री फारेनहाइट, इसका मतलब 0 डिग्री फारेनहाइट, 48 डिग्री फारेनहाइट एंड 37 डिग्री फारेनहाइट, एंड यू नो द करेक्ट आंसर इज 32 डिग्री फारेनहाइट, जिसे हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर करेक्ट आंसर फारेनहाइट में पूछा गया, इसलिए आंसर क्या होगा, ए 32 डिग्री फारेनहाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ। इन विच ग्राफिक्स डिजिटल फोटोज एंड स्कैन इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड विद एक्सटेंशंस सच एज .bmp, .png, .jpg एंड .tif और .gif। किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को जैसे .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आम तौर पर संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपके एक्सटेंशन दिए हैं उसमें बिटमैप भी दिया है और पिक्सल फाइल भी दिया है, इसलिए बोथ बिटमैप एंड पिक्सल्स इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, बिटमैप पिक्चर होता है BMP, पिक्सल्स में जैसे ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट भी दिया हुआ है JPG, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स भी दिया हुआ है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है 14 का वो है डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में आपका 15th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है रिडक्शन, ऑप्शन सी है रेडिएशन एंड ऑप्शन डी है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मीन्स ऑक्सीकरण अपचयन विकिरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों, एंड यू नो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन अपचयन। ओके, तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर रिडक्शन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन भी साइंस से है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शोन बाय इट्स सिंबल, उसके सिंबल से दिखाया गया है, इज जनरली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ बल्ब, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया है का सामान्यतः बल्ब का या बल्ब के तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है। और आपको पता होगा कि जो फिलामेंट बनते हैं वो टंगस्टन से बनते हैं, एंड टंगस्टन को हम सोक किससे करते हैं, W से। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, और टंगस्टन आपको पता है जिसका एटॉमिक नंबर 74 होता है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भी आपके है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए डिड्यूस ट्रीज, डिसीड्यूस ट्रीज, ऑप्शन बी कॉनिफेरस ट्रीज, ऑप्शन सी एवरग्रीन ट्रीज, ऑप्शन डी बोथ डिसीड्यूस एंड कॉनिफेरस, मतलब पर्णपाती वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष, सदाबहार वृक्ष एंड पर्णपाती तथा शंकुधारी वृक्ष दोनों। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी ट्री सेट देयर लिप्स वंस इन अ ईयर, वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या है, ए डिसीड्यूस ट्रीज, पर्णपाती वृक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट रैंक टॉप इन द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में 2018 में किस राज्य ने टाइगर आबादी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए गिवन ऑप्शन से भी अगर आप क्वेश्चन देना चाहें तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा अगर एरिया क्षेत्रफल जो वन से घिरा हुआ है वो हमारे मध्य प्रदेश में है, और इसलिए आप
और आपको रिपोर्ट के मुताबिक मैं आंसर बताऊं, 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक जो टोटल पॉपुलेशन था टाइगर का मध्य प्रदेश में था वो 642 था और ये हाईएस्ट था। तो इसलिए 18 का ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और 19 नंबर क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट जब हम रिवीजन करते हैं तो हर चीज़ों, हर टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहिए। इससे कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, वो याद कर लेंगे इस बहाने। हु इन्वेंटेड डायनामाइट, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जेवी डनलप, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी जेम्स सिमोंस, ऑप्शन डी पीटर हैग्रिव्स। और आपको पता है जिनके फाउंडेशन के द्वारा नोबेल प्राइज भी एवरी ईयर अनाउंस किया जाता है, और वह है अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल प्राइज जिनके नाम पे दिया जाता है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोवर कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। रोवर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फुटबॉल से एसोसिएटेड है। तो बी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, 21। डांडिया इज अ फॉर्म ऑफ डांस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। डांडिया एक लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, और ये संबंधित है किससे? आपके सामने ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। और सभी लोग आई होप आंसर इसका जानते होंगे, गुजरात है, गुजरात से जुड़ा हुआ है डांडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। देखिए आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 50, सीपीयू की हम बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चन, सीजीएल में 25 क्वेश्चन। उसमें से आजकल की जो लेटेस्ट पैटर्न में आपसे 50 में से कम 6-7 क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स होंगे, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना है। और इसके लिए जो कवरेज होगा करंट अफेयर्स का वो 7-8 मंथ्स का होगा, आपके सीपीयू के पेपर की हम बात करें तो 7-8 महीने का कवरेज होगा। उससे जुड़े सभी न्यूज़ को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। और बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने जो ये सेट आपके सामने है, ये सेट ये मॉक्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट है, कि ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं और ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे केवल एक सेट नहीं, हम लोग इन कमिंग डेज विल डिस्कस 5-6 सेट्स ऑफ द क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट होता है, जो हमारी रिसर्च टीम के हेल्प से बनाई जाती है, वो हम आपके सामने रखेंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो बेनिफिशियल कंटेंट होता है वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस के अंतर्गत, और जीएस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां पर आप बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, इन द सेंस कि एग्जामिनेशन हॉल की मेहनत की मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो आपको पता है मेहनत करनी पड़ेगी, बट एग्जामिनेशन हॉल में कम टाइम में आपको पता होगा आंसर आप डायरेक्टली देते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और सीपीयू के लिए तो एक बहुत ही बून साबित होता है जीएस का सेक्शन। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 22 है करेंट अफेयर्स से है, द 22nd एडिशन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, वेयर ई गवर्नेंस इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, 2019 हेल्ड इन। ई गवर्नेंस 2019 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये आयोजन इस वर्ष का हुआ था शिलोंग में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वैसे ऑप्शंस आपके सामने इस तरीके से दिए जाते हैं, ऑप्शन ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी आप ऐसा बोल सकते हैं करंट से है, बट आपके फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। Who has been appointed as the new finance secretary? Finance secretary, as you all know, this is the highest position in the finance ministry. Vitt Mantralay ka senior most secretary ko hum Vitt Sachiv bolte hain. Aur Vitt Sachiv, who has been appointed as the new finance secretary? Naye Vitt Sachiv ke roop mein kise niyukt kiya gaya hai? Aapke saamne hai option A, Subhash Chandra Garg, option B, Hasmukh Adhiya, option C, Rajiv Kumar, ऑप्शन डी राजीव महर्षि।
देखिए वैसे तो अगर आप अवेयर हैं करंट अफेयर्स की चीज़ों से तो आप आसानी से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे राजीव महर्षि अभी प्रेजेंट में कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपके सामने राजीव कुमार हैं। देखिए वित्त मंत्रालय का जो सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी होता है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है, और वित्त मंत्रालय में 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 5 डिपार्टमेंट्स, और 5 डिपार्टमेंट्स में से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, और इनमें से सबसे सीनियर हमारे राजीव कुमार हैं, तो राजीव कुमार को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एज पर द डेटा ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड दिस इज इन शॉर्ट नोन एज DPIIT, इंडिया रिसीव्ड द हाईएस्ट एवर FDI इनफ्लो इन 2018-19, एंड द FDI इनफ्लो इन 2019 फाइनेंशियल 2019 स्टूड एट। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के आंकड़ों के अनुसार भारत को वर्ष 2018-19 में अब तक का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, वित्त वर्ष 19 में FDI प्रवाह कितना था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई पॉलिसी भारत में जो डिपार्टमेंट बनाता है उसका नाम है DPIIT, एंड DPIIT इज अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट काम करता है, और वित्तीय वर्ष 2018-19 में टोटल FDI रिसीव्ड बाय इंडिया इज व्हाट, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 58.74 बिलियन डॉलर, 76.18 बिलियन डॉलर, 64.37 बिलियन डॉलर, एंड 52.18 बिलियन डॉलर, एंड द करेक्ट आंसर इज 64.37 बिलियन डॉलर। ओके, तो 24 का ऑप्शन सी राइट है। अब हम चलते हैं 25th question इज विथ विच कंट्री इंडिया एक्सचेंज इट्स बॉर्डर मैप्स, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश, एंड द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत ने अपने सीमा के मानचित्रों की अदला बदली की थी। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन डी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 26। और 26 क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी पुस्तक के लेखक कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट ए ऑप्शन शशि थारूर, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी टैसी थॉमस, एंड ऑप्शन डी रघुराम राजन। और एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी बुक के ऑथर थे APJ अब्दुल कलाम, सो ऑप्शन बी इज राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27, विच लीजेंडरी इंडियन आर्किटेक्ट बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन प्रिट्जर प्राइज, कौन प्रसिद्ध पुरस्कार प्रिट्जर पुरस्कार वास्तुकार, क्वेश्चन यह है कौन प्रसिद्ध वास्तुकार आर्किटेक्ट को कहा जाता है प्रिट्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन ए है राज रीवल, ऑप्शन बी चार्ल्स कोरेरा, ऑप्शन सी ब्रिंडा सोमाया, ऑप्शन डी बीबी दोषी, एंड द करेक्ट आंसर इज बीबी दोषी, ऑप्शन डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स जर्नल्स वेयर स्टार्टेड बाय डॉक्टर BR अंबेडकर, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत डॉक्टर BR अंबेडकर ने की थी, आपने पढ़ा भी होगा ये, ए बहिष्कृत भारत, ऑप्शन बी मूक नायक, ऑप्शन सी हरिजन सेवक, एंड ऑप्शन डी जनता द पीपल। यहां पर आपको चूज करना है कि कौन कौन से न्यूज़पेपर और पत्रिका BR अंबेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसमें से आप देख सकते हैं ऑप्शन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ABC,
बी सी एन डी, ए बी एन डी, ए सी एन डी, एंड द करेक्ट आंसर इज ए बी एंड डी, मतलब बहिष्कृत भारत, मूक नायक एंड जनता दल पीपल। ये तीन पत्रिका थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, बी आर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो 28 का आंसर क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां भी मैचिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद देयर एंशियंट नेम्स, नदी है और उसके प्राचीन नाम है, इसको मैच करना है। और एक तरफ आपका दिया हुआ है मॉडर्न नेम, एक तरफ एंशियंट नेम। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है झेलम, दूसरा दिया हुआ ब्यास, तीसरा दिया हुआ चिनाब एंड चौथा दिया हुआ रवि। प्राचीन नेम दिया हुआ है एक साइड में विपाशा, पारूरी, पारोशनी एंड उसके बाद थर्ड ऑप्शन वितस्ता एंड ऑप्शन चौथा दिया हुआ अस्किनी। तो इसमें से आप मैच करोगे और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब झेलम का जो पुराना नाम था वितस्ता था और ब्यास का नाम था विपाशा एंड तीसरी नदी चिनाव, चिनाव का नाम था अस्किनी एंड ऑप्शन डी में आपका है रावी, और रावी फिर हुआ आपका पारुष्णी। तो आपका करेक्ट आंसर 29 का क्या है? बी। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस जनजाति की आबादी अधिकतम थी, अधिकतम है? ए भील, बी गोंड, सी संथाल, डी मुंडा। एंड भील प्रजाति जो है वो सबसे अधिक आबादी है इनके भारत में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे भील है। भील एक भारतीय जनजाति है, इसकी आबादी सबसे अधिक है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। तो 30 का ऑप्शन ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉन्ट छोटा होने के कारण आपको दिक्कत हो रही होगी, फिर भी मैं आपको बताता हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पर बात हो रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी के बारे में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको देखना है यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ऑप्शन बी है, इट प्रोवाइड्स इसेंशियल इनपुट्स ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। ऑप्शन सी, द सीबीडीटी इज हेडेड बाय सीबीडीटी चेयरमैन एंड इट्स कंप्राइजेज ऑफ 7 मेंबर्स। ऑप्शन डी है, इट इज इंडियाज ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट। तो ये चार ऑप्शन है। तो यहां पर देखोगे आप कि यहां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीबीडीटी के बारे में, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सीबीडीटी का फॉर्मेशन 1944 में हुआ था और सीबीडीटी केवल और केवल आपके देश में डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करता है। क्या करता है? डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसे कहा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, राजस्व विभाग के अंतर्गत। देखिए, दो प्रकार के टैक्स भारत सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स है। ओके, तो सीबीडीटी के बारे में
यहाँ जो ऑप्शन सी है, ए और डी यहाँ पर इसके बारे में राइट है, बाकी सब रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट, ए एंड डी। डी में क्या था? इट्स इंडियाज ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस इज ऑफ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सिंधु नदी के निम्नलिखित उप नदियों में से कौन से इसकी दाहिनी तटीय सहायक नदी है? यहाँ बेसिकली सिंधु के सहायक नदियों के बारे में बात की गई है, उप नदियों के बारे में, श्योक, व्यास, गिलगित, काबुल। तो आपको इसमें से चूज करना है राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज डी, ए सी एंड डी, मतलब श्योक भी है, गिलगित भी है और काबुल भी है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 32 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है जो एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको अपनी ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ सकता है। अरेंज दीज पैरामिलिट्री फोर्सेस इन द क्रॉनिकल ऑर्डर। कलानुक्रमिक क्रम में इन अर्धसैनिक सेना को व्यवस्थित कीजिए। और आपके सामने है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो NSG होता है, ऑप्शन सी असम राइफल, ऑप्शन डी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर बात यह हो रही है कि आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनमें से सबसे पहले कौन बना था, मतलब उनका ईयर ऑफ द फॉर्मेशन, पहले कौन था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद से कौन सा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके सामने है असम राइफल का फॉर्मेशन हुआ था 1835 में, क्लियर। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का गठन हुआ था 1939 में, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था, और NSG का फॉर्मेशन हुआ था 1989 में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्यरत होते हैं, एंड साथ में होम सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो अजय भल्ला को होम सेक्रेटरी बनाया गया है, जो सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर होता है जो इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रखता है। तो यहाँ पर इसको अगर आप ऑर्डर में देखो तो ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ असम राइफल, तो सी पहले आएगा एंड सी इज लेस देन, फिर उसके बाद CRPF होगा, तो CRPF आपका ऑप्शन क्या था, डी। तो इस तरीके से ऑप्शन सी बिल्कुल फिट बैठता है, सी लेस देन डी लेस देन ए लेस देन बी, मतलब 33 का करेक्ट आंसर होगा सी। बेसिकली यहां पर आपसे ये टेस्ट किया गया है कि जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनका फॉर्मेशन कब हुआ, और उसके अकॉर्डिंग उसे आपको याद रखना है और वैसे सजाना है इसको, ठीक है। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या है, सी। और मैंने बता दिया इन सभी के फॉर्मेशन का ईयर, इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लीवर। लीवर के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? इसमें ऑप्शन ए है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यह मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन बी है, द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हॉर्मोन्स, यकृत इंसुलिन और अन्य हार्मोन के टूटने के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी है, हेपेटाइटिस इज अ कॉमन कंडीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस यकृत की सूजन की एक सामान्य स्थिति है। ऑप्शन डी, इट स्टोर्स द बाइल जूस विच हेल्प्स द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब फैट्स कोलेस्ट्रॉल एंड सम विटामिन्स। तो आप देख सकते हैं इसमें लीवर के बारे में आपसे पूछा गया नॉट करेक्ट, तो आपके स्टार्टिंग से सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ए बी सी। यहां पर नॉट करेक्ट क्या है, ऑप्शन डी इज अ रॉन्ग, मींस ये लीवर का काम नहीं है। तो 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये भी आपके क्वेश्चन है,
जिसमें दिया हुआ है एक तरफ विटामिन का नाम और उसका केमिकल नेम दिया हुआ है। जैसे एक तरफ ऑप्शन, एक तरफ दिया हुआ है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। आपको इसके केमिकल नेम से मैच करना है। केमिकल नेम में ऑप्शन आपके सामने है राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल एंड पाइलोक्विन, फाइलोक्विन, फाइलोक्विनोन। तो आपको इसमें से मैच करना है और कौन से विटामिन का केमिकल नेम कौन सा है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है A1, B2, C3, D4 और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फॉलोइंग इज द ब्रीड्स ऑफ बफेलो। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल भैंस की है? और इसमें आपके सामने ऑप्शन है जफराबादी, ऑप्शन बी है नागौरी, ऑप्शन सी है मोरा, ऑप्शन डी है साहिवाल। इसमें आपको चूज करना है और इसमें से जफराबादी और मोरा ये दोनों भैंस के नस्लें हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। 36 का आंसर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 क्वेश्चन क्या है? विच इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ फिश। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा मछली के अध्ययन के लिए समर्पित है? कैटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी जो आपने पढ़ा होगा, जो पंक्षियों के अध्ययन के लिए, बर्ड्स के अध्ययन के लिए होता है, अक्थियोलॉजी एंड मेलकोलॉजी, मेलकोलॉजी। तो यहाँ पर जो मछलियों का अध्ययन करते हैं वो उसे हम बोलते हैं अक्थियोलॉजी, इसलिए करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, 38 आपके सामने है। हु प्रोपाउंडेड द थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण लाभ के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता, जिन्होंने पूंजीवाद के सिद्धांत को दिया। वेल्थ ऑफ द नेशन बुक 1776 में पब्लिश की, जिन्होंने लीजेस फेयर, फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा ऑप्शन है हेक्चर और ओलिन, ऑप्शन सी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन डी गॉटफ्रेड हॉर्वेरियर। देखिए यहां पर एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब मैं आपको बता देता हूं, इंटरनेशनल ट्रेड में एब्सोल्यूट एडवांटेज उस कंट्री को हो सकता है जो मिनिमम कॉस्ट में वस्तुओं को तैयार करता हो, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, एंड दिस इज प्रोपाउंडेड बाय डेविड रिकार्डो। ओके, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब भी आपको समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है? प्रोड्यूस अ गुड विद अ लोअर मार्जिनल कॉस्ट, किसी भी वस्तु को कम कॉस्ट पर तैयार कर देना, एंड आंसर इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF? GIF का विस्तारित रूप क्या है? ग्राफिक इंटरफेस फॉन्ट, ग्राफिकल इंटरफेस फॉन्ट ऑप्शन ए है, बी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन सी गूगल इंफॉर्मेशन फॉन्ट एंड ऑप्शन डी ग्राफिक्स इमेज फॉर्मेट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी बाली, ऑप्शन डी इचियोन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीन क्लाइमेट फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका गठन 2010 में हुआ था। इसका मकसद ये था कि डेवलपिंग कंट्री किस तरीके से क्लाइमेट चेंज, जो विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और उससे ओवरकम होने के लिए एनवायरमेंट और इकोलॉजी पर किस तरीके से ध्यान दिया जाए, इसके लिए इसका गठन किया गया था ग्रीन क्लाइमेट फंड का। और इसका हेडक्वार्टर है इंचियोन, इंचियोन बेसिकली साउथ कोरिया में है। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन आपके सामने है।
विच ब्रिटिश जनरल डिफीटेड रानी लक्ष्मीबाई एंड तांत्या टोपे ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पराजित किया था? एंड ऑप्शन ए है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर डफ, ऑप्शन सी है ह्यूग रोज, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज सी ह्यूग रोज। ओके क्वेश्चन 42 नेक्स्ट होगा आपके लिए। एंड 43 क्वेश्चन है एस्ट्रॉइड्स आर लोकेटेड थ्रू आउट द सोलर सिस्टम बट देर इज एन एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। क्षुद्र ग्रह पूरे सौर मंडल में स्थित है लेकिन एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच में है? आपके सामने ऑप्शन ए है यूरेनस एंड नेपच्यून, ऑप्शन बी मरकरी एंड वेनस, ऑप्शन सी है जुपिटर एंड नेपच्यून एंड ऑप्शन डी मार्स एंड जुपिटर। और ये है करेक्ट ऑप्शन सी जुपिटर एंड नेपच्यून। ओके सॉरी मार्स एंड जुपिटर। एक सेकेंड 42 के क्वेश्चन आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो ऑप्शन डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? जैसा मैंने बार बार डिस्कस करते रहता हूँ आपके करंट के सेशंस में भी कि हमारे देश में 15 अगस्त 1969 को इसरो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ विक्रम साराभाई, जिनके नाम पर एक स्पेस सेंटर भी है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। और खासकर हम बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसका पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, जिसमें एसटीएससी के बारे में आप देखते हैं जब सबसे ज़्यादा संख्या में सैटेलाइट्स जो लॉन्च किया गया है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, जो श्रीहरिकोटा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में वहाँ पर लोकेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। और यहाँ पर ऑप्शंस भी कुछ इस तरीके से दिए गए हैं जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो साथ में आपको क्या क्या याद रखना है, एट प्रेजेंट इसरो के चेयरमैन के सीवन हैं और 15 अगस्त 1969 को इसरो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके स्पेस सेंटर की बात हमने की, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में, एंड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बैकेलाइट, ऑप्शन बी है मेलेमाइन, ऑप्शन सी है पीवीसी, ऑप्शन डी है इसमें से कोई करेक्ट नहीं है, नो ऑप्शन इज करेक्ट। और आपको पता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड को कहा जाता है जो पीवीसी होते हैं, और इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, वेयर वॉज द कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन 2029 हेल्ड? सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 2019 कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी लद्दाख। और करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। ये 7वां कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन था जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46। हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इंपीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज हर टर्म? भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगाने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? ऑप्शन ए द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। एंड यू नो वेरी वेल पार्लियामेंट इज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी और ऐसे कोई भी फैसले हमारे संसद से ही लिए जा सकते हैं क्योंकि संसद हमारे जनता के प्रति जिम्मेदार है और टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज द रिकमेंडेशन ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा इज रिक्वायर्ड। तो 46 का करेक्ट आंसर है
डी, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, हु हैज पेड द विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? ऑप्शन ए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से, महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा शंगा एंड ऑप्शन डी कुंवर दुर्जन सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज राणा कुंभा, ऑप्शन बी इज राइट, इन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्रीय तट है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। और आपको पता है कि इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात का जो कोस्ट लाइन एरिया है वो सबसे लंबा है, तो ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, हु विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन एंट बाइट्स। एक जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? एंड ये भी क्वेश्चन काफी कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, रिपीट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड एंड ऑप्शन डी है बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड। एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है चींटी के काटने से। ओके अगला क्वेश्चन है और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है पार्ट ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि ये 50 क्वेश्चन ही करना है, मैंने बताया कि हम पूरी सीरीज लेकर के आए हैं, तो अपकमिंग वीडियोस भी होंगे पार्ट 2, 3, 4, 5 एंड विल ट्राई कि हम जितना भी हो सके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखें एंड आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल टॉपर्स हब को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे वो वही वीडियोस होंगे जो आपके एग्जाम से बहुत ही रेलिवेंट होगा और इसलिए उसे आप देखना नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, विच मूवी ऑन द अवार्ड फॉर द बेस्ट मूवी एट द ऑस्कर अवार्ड 2019। ऑस्कर पुरस्कार 2019 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? आपके सामने है ला ला लैंड, ग्रीन बुक, मूनलाइट, मैनचेस्टर बाय द सी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रीन बुक को 2019 में बेस्ट मूवी अवार्ड दिया गया था ऑस्कर के लिए। आई होप दिस सेशन वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू एंड very soon I'm coming with the next part of the GS question collection for extremely useful for CPO and don't forget to watch and thanks for watching this video.